मैं जब यहाँ तशरीफ लाया था तो आली मर्तबत मोहतरमा डॉक्टर फालदा अख्तर साहिबा खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहा था। तसव्वुर नहीं किया जाता कि इतनी अच्छी उर्दू, इतने अच्छी तरह से उर्दू के बारे में एक खूबसूरत पेश किया। मुबारकबाद कि आप दूर दराज इलाके में रहकर उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। हम लोगों को तो विरासत में उर्दू मिली है तो उसका एहतराम कुछ हमारे नज़दीक कम है हिंदुस्तानियों के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ रहकर आप लोग उर्दू को और उर्दू वालों को बुला कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। और मुझे हुक्म है मनकबत के कुछ शेर के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो तीन चार शेर या दो तीन मनकबत आपकी छोटी छोटी सी पेश करूँ। समाप्त मईगा आज मैं जब तशरीफ हाजिर हुआ यहाँ सैन फ्रांसिस्को तो मोहतरम इकबाल साहब और नुसरत साहिबा ने जो इस्तकबाल किया और जिस तरीके से चंद लम्हों में आपके शहर से तारुफ कराया तो उस शहर ने मुझे रोकने की कोशिश भी की और अच्छा खासा बुखार में मुझे डाल दिया। तो बहरहाल कोशिश करता हूँ जितनी हिम्मत है उतना आपकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। इदारा का अक्सर सवाल नहीं है। जो अजमतों के घराने से भीख मांगते हैं, जो अजमतों के घराने से भीख मांगते हैं तो फिर कहाँ वो जमाने से भीख मांगते हैं। गुरूर क्यों ना करें अपनी इस फकीरी पर के हम अली के खजाने से भीख मांगते के हम अली के खजाने से भीख मांगते हैं। एक चार मिसरे और समाप्त होगा। हैरान होंगे लोग करिश्मा ये देख कर, हैरान होंगे लोग करिश्मा ये देख कर, इश्को वफा का हम वो नमूना दिखाएंगे। कल्ब कालिब अलग अलग है मगर रूह एक है, दीजे सदा हुसैन को अब्बास आएंगे, दीजे सदा हुसैन को अब्बास आएंगे, दीजे सदा हुसैन को अब्बास आएंगे। जात एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त होएगा। जिंदगी बेतफासिक है तो इनकार है हम, जिंदगी बेतफासिक है तो इनकार है हम, मौत आती है तो आ जाए के तैयार है हम, मौत आती है तो आ जाए के तैयार है हम। ओ शेर देखिएगा यार, अश्क है फातिमा जहरा की अमानत लोगों, अश्क है फातिमा जहरा की अमानत लोगों, फख्र है हमको के मौला के आजादार है हम, फख्र है हमको के मौला के आजादार है हम। जिंदगी बेअते फासिक है तो इनकार है हम। और एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद चंद शेर पेश करूँगा।
समाप्त होगा, हमारा क्या है ये बादल कहीं भी जहां बरसे, हमारा क्या है ये बादल कहीं भी जहां बरसे, है अपना सिलसिला तशनगी समंदर से, है अपना सिलसिला तशनगी समंदर से, हमें भी गर्मी महशर का खौफ है लेकिन, हमें भी गर्मी महशर का खौफ है लेकिन, लगी है आस बहुत सही अदा की चादर से, लगी है बहुत सही अदा की चादर से। और शेर देखिए शायद किस लायक होगा, बचा लिया किसी मासूम के तबसुम ने, बचा लिया किसी मासूम के तबसुम ने, जमीन हटने ही वाली थी अपने महबर से, जमीन हटने ही वाली थी अपने महबर से, जमीन हटने ही वाली थी अपने महबर से। आजाद दो तीन शेर हैं, मुलाजा फरमाइएगा, मुलाजा फरमाइए तीन चार शेर। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, सुनो यजीद व मुकद्दर बदल भी सकता है, सुनो यजीद व मुकद्दर बदल भी सकता है, समझ के हमको बहातर हकीर मत समझो, समझ के हमको बहातर हकीर मत जानो, के ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है, के ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है। शेर देखें, खामोश रहने का मफहूम बुजदिली न समझे, खामोश रहने का मफहूम बुजदिली न समझ, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले के तीन चार शेर पेश कर रहा हूँ, ये मतलब और एक शेर में बतौर ख़ास आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, समाप्त होगा। गमे हुसैन को आंसू बना दिया जाए, गमे हुसैन को आंसू बना दिया जाए, चराग जो न बुझे वो जला दिया जाए, चराग जो न बुझे वो जला दिया जाए। और शेर है मुलाजा फरमाइए, ये चंद अश्क अज़ा है इन्हें कबूल करे, ये चंद अश्क अज़ा है इन्हें कबूल करे, अब और आपको तोहफे में क्या दिया जाए, अब और आपको
तोहफे में क्या दिया जाए, खुदाई सोच रही है अभी तलक मंजर, खुदाई सोच रही है अभी तलक मंजर, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए, और शुक्रिया, सिला हुसैन के सजदे का क्या दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए हजरात, एक दो तीन शेर की इजाज़त चाहता हूँ, ये मेरे अभी बिल्कुल एक या दो महफिलों में मैंने ये शेर पढ़े हैं, ताज़ा हैं, कोशिश की है नए अंदाज के कुछ शेर कहने की, लाज़त फरमाइएगा। वफा के सामने आकर जफा ने दम तोड़ा, वफा के सामने आकर जफा ने दम तोड़ा, ये करबला है यहाँ हर बला ने दम तोड़ा, ये करबला है यहाँ हर बला ने दम तोड़ा। और शेर देखिए, वहीं पे खाके शिफा ने हयात नौ दी है, वहीं पे खाके शिफा ने हयात नौ दी है, के जिस मर्ज के मुकाबिल दवा ने दम तोड़ा, के जिस मर्ज के मुकाबिल दवा ने दम तोड़ा, हरे के हाल में चमके हमारे अश्क अज़ा, हरे हाल में चमके हमारे अश्क अज़ा, के इन चराग़ों के आगे हवा ने दम तोड़ा, के इन चराग़ों के आगे हवा ने दम तोड़ा, उसी मकाम से इब्तिदाए सब्र हुसैन, उसी मकाम से इब्तिदाए सब्र हुसैन, जहाँ पे सब्र की हर इंतहा ने दम तोड़ा, जहाँ पे सब्र की हर इंतहा ने दम तोड़ा। और मकता है, मैं मुफलिसी में भी खुददार था मगर मंजर, मैं मुफलिसी में भी खुददार था मगर मंजर, दरे हुसैन पे मेरी अना ने दम तोड़ा, हुसैन पे मेरी अना ने दम तोड़ा, दरे हुसैन पे मेरी अना ने दम तोड़ा। मौलाली के सिलसिले के मुझे हुक्म है तो एक दो शेर पेश करता हूँ, फिर उसके बाद आप जो बदले सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह वो पेश करूँ, पकड़ लूँगा समाप्त। ये छोटी बहर के दो तीन शेर हैं, उसके बाद लिखे दराते दो तीन शेर में मौला अब्बास के सिलसिले में पेश कर देता हूँ, फिर उसके बाद मौला अली के सिलसिले में ये चंद शेर हैं, एक मतला और एक दो तीन शेर समाप्त हो गए। तुम्हारे दर पे हुआ ये भी तजर्बा, तुम्हारे दर पे हुआ
عبادت کا یہ مفہوم ہم نے سمجھا ہے حسینیت کا یہ مفہوم ہم نے سمجھا ہے حسین منزل اسلام راستہ باس حسین منزل اسلام راستہ باس اور شیر ملادہ فرمائے اس آرزو پہ کہ سوکھے لبوں کو چھپائے اس آرزو پہ کہ سوکھے لبوں کو چھپائے فرات پوچھ رہی ہے تیرا پتا پوچھ رہی ہے تیرا پتا باس سمٹ کے آ گیا دریا ہمارے چلو میں سمٹ کے آ گیا دریا ہمارے چلو ہتیلیوں پہ فقط ہم نے لکھ دیا باس ہتیلیوں پہ فقط ہم نے لکھ دیا باس مولا علی کی سلسلے کے دو تین شعر پیش کر کے پھر میں غزل جو جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں شاید پیش کرتا ہوں سماعت کرائیے گا کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا کام جو بھی میرے کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا ایسا سجدہ شہ ایسا سجدہ شہ کربلا نے کیا ایسا سجدہ شہ کربلا نے کیا احترام اس کا بیت خدا نے کیا کام جو بھی مرضی شہ پہ عباس چلتے رہے مرضی شہ پہ عباس چلتے رہے صبر نے جو کہا وہ وفا نے کیا کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا سر چھپاتی پھری بے ادب آندیاں سر چھپاتی پھری بے ادب آندیاں جب بھی حملہ چراغ ازانے کیا کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا جنتی کون ہے دوزخی کون ہے
जन्नती कौन है, दोज़खी कौन है, हश्र में फैसला कर बला ने किया काम जो भी मेरे मुर्तज़ा ने किया। मैं ग़ज़ल में भी भूला नहीं करबला, मैं ग़ज़ल में भी भूला नहीं करबला। ये असर वालदा की दुआ ने किया काम जो भी मेरे मुर्तज़ा ने किया। मैं ग़ज़ल में भी भूला नहीं करबला, ये असर वालदा की दुआ ने किया काम जो भी मेरे मुर्तज़ा ने किया। हज़रत मुझे एक हुक्म था दो तीन शेर के लिए मनकबत का मौलानी के सिलसिले में, वो कई महफिलों में पढ़ चुका हूँ मगर अभी किसी ने मुझे हुक्म दिया है तो दो तीन शेरों आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए मैं एक आपको अच्छा वो एक गीत सुनाता हूँ मनकबत का, और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि गीत कुछ बच्चों की फरमाइश पे तो ये गीत पेश कर रहा हूँ। देखिए हम सुबह से शाम तक जब टेलीफोन आता है तो हाय हेलो करते रहते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपसे अगर हम वो करेंगे तो शायद जन्नत की कोई खिड़की आपके लिए खुल सकती है, और लादा फरमाइए गीत, और अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए। बन देखिएगा नामे अली में बरकत ही बरकत, नामे अली से मिलती है अजमत, नामे अली से खुलती है किस्मत, नामे अली से खुलती है किस्मत, जब भी जबां खोलिए अली अली बोलिए, हाय हेलो छोड़िए अली अली बोलिए। बन देखिए काबा अली का, क़िबला अली का, अर्शे बरी पर लहजा अली का, दोनों जहां में सिक्का अली का, दोनों जहां में सिक्का अली का, और न कुछ सोचिए अली अली बोलिए, हाय हेलो छोड़िए अली अली बोलिए। और ये देखिए खैबर का दरवाजा किसने उखाड़ा, सूरज जो डूबा था किसने उभारा, उस शब नबी को किसने बचाया, उस शब नबी को किसने बचाया, काम ये किसने किए अली अली बोलिए, हाय हेलो छोड़िए अली अली बोलिए, हाय हेलो छोड़िए अली अली बोलिए, हाय हेलो छोड़िए अली अली बोलिए, नामे अली से मिटती है मुश्किल, नामे अली से मिल
منزل نام علی ہے طوفان میں ساحل نام علی ہے طوفان میں ساحل دل کی گرہ کھولیے علی علی بولیے ہائے ہلو چھوڑیے علی علی بولیے ہائے ہلو چھوڑیے علی علی بولیے بہت شکریہ غزل کے سلسلے میں بھی کئی پہلے سے آپ لوگوں نے حکم دے رکھے ہیں تو میں زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا اور جلد سے جلد کچھ شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ فرمائیے گا سماعت فرمائے یہ دو تین شعر ہیں جو تازہ ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کے حکم ہے میں پیش کر دوں گا سماعت فرمائیے بے ضمیری کا کوئی کام نہیں کر سکتا بے ضمیری کا کوئی کام نہیں کر سکتا زندگی میں تجھے نیلام نہیں کر سکتا زندگی میں تجھے نیلام نہیں کر سکتا دیکھ کر تجھ کو تڑاتا ہوں میں دل ہی دل میں دیکھ کر تجھ کو تڑاتا ہوں میں دل ہی دل میں کیا کروں عشق کو بدنام نہیں کر سکتا کیا کروں عشق کو بدنام نہیں کر سکتا بہت شکریہ دیکھیے شعر آپ کی نظر ہے ملاحظہ فرمائیے گا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک دو شعر کے لیے حکم میں پیش کر رہا ہوں کچھ نئے کچھ پرانے شعر جو بھی آپ نے حکم دیا ہے پیش کروں گا سماعت فرمائیے گا وجی صاحب جی شاید آپ نے نہیں سنا ہوں گے یہ لارا فرمائیے آپ کی خدمت سے پیش کرتا ہوں ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا یہ مائیں چلتی ہے بچوں کے پاؤں سے جیسے یہ مائیں چلتی ہے بچوں کے پاؤں سے جیسے ادھر ہی جائیں گی بچہ جدھر بھی جائے گا ادھر
उधर ही जाएंगी, बच्चा जिधर भी जाएगा उधर ही जाएंगी, बच्चा जिधर भी जाएगा। और एक दो शेर के लिए और हुक्म पेश करता हूँ, लाला फरमाएगा। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। खाली दामन यहाँ पेड़ लगाने वाले, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। बस आज शेर के लिए मैंने आपको जहमत दी दो तीन शेरों की, मुलाजा फरमाएगा। याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है।